हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी डी एस एजुकेशन अकेडमी। सो एक भी न्यू अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों सामने। आर्मी पब्लिक स्कूल्स बोलराम सिकंदराबाद की तरफ से। सो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, यहाँ की APS की वैकेंसी आई हुई थी CSB बेस्ड। सो फाइनली दोस्तों कल की डेट में ऑलमोस्ट बच्चों के पास कॉल आ गया है बोलराम सिकंदराबाद स्कूल की तरफ से। सो इस वीडियो में मेनली बात करेंगे कि इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। इंटरव्यू दोस्तों आपका इंग्लिश में होने वाला है या फिर हिंदी में होने वाला है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है फ्रेंड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। पहले एक बार हम नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों, और क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन उस टाइम पर मांगी गई थी जो आपको फुलफिल करनी होगी दोस्तों जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे। सो नाउ देखते हैं पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी अनाउंस किया गया था APS सिकंदराबाद की तरफ से। सो ये दोस्तों APS का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था सिकंदराबाद की तरफ से, आर्मी पब्लिक स्कूल बोलराम सिकंदराबाद एंड एंटिसिपेटेड वैकेंसी फॉर द टीचर अकेडमी सेशन 2022-23। तो इनकी जो वैकेंसी आई थी PGD के लिए आई थी फ्रेंड्स, इन सब्जेक्ट के लिए। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट विद द BEd एंड प्रोसेसिंग AWS सी स्कोर कार्ड। तो मेनली आपको क्या चाहिए दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में, प्लस BEd आपके पास होनी चाहिए और CSB स्कोर कार्ड होना चाहिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और TGT के लिए बात करें दोस्तों, तो TGT में इन वैकेंसीज की आई थी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी TGT में यानी ग्रेजुएट होनी चाहिए विद BEd 50% मार्क के साथ और CSB स्कोर कार्ड प्लस CTET या TET मैंडेटरी है दोस्तों, किसी भी स्टेट का आपका TET चल जाए। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। PRT की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका ट्रेंड ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, BEd और CSB स्कोर कार्ड प्लस CTET या TET आपका मिनिमम क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी दोस्तों, PAT में जूनियर, योगा, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेटर, ग्रेजुएट इन द सब्जेक्ट्स एज पर AWS रूल्स। तो ये दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखी गई थी इस सिकंदराबाद स्कूल की तरफ से जब इनका नोटिफिकेशन आया था, और लास्ट डेट थी दोस्तों आपकी 13 मार्च 2022 को। सो फाइनली आज की डेट से दोस्तों आपका कॉल आना स्टार्ट हो गया है। होपफुली आप लोग को भी कॉल आ गया होगा। अगर कॉल नहीं आया दोस्तों, तो आप अपना जो मेल ID डाला था आप एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। उनमें सारी बच्चों की लिस्ट इकट्ठे वो लोग मतलब बल्क में मेल कर देते हैं जितने बच्चे भी अप्लाई करते हैं। सो मेनली आपको दोस्तों करना क्या है, आपको सीधा ध्यान रखिएगा, आधे घंटे पहले आप इंटरव्यू से पहले पहुंच जाइएगा। वहाँ पे सबसे पहले आपको एक रूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, और मे बी हो सकता है पहले कंप्यूटर टेस्ट लिया आपका, बट मोस्ट प्रोबेबली वो लोग पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और उसके बाद एलिजिबल होने के बाद आपको इंटरव्यू में फेस कराया जाता है। तो यही बिग अपडेट थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों को बचानी थी। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट। जल्दी दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियोज़ भी अपडेट कर दूंगा जहाँ का भी इंटरव्यू सेशन शेड्यूल हो जाएगा। बाकी आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है तो प्लीज़ आप बताइए ताकि बच्चे अवेयर हो जाए फ्रेंड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट।